सीजन 5 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें एक माइक उठता हुआ दिखता है। एक इंजर्ड होता है तो इसलिए गस ने उसकी केयर ली होती है। उसे वो एक टाउन में रख देता है। माइक उठता है और वहाँ की जो लेडी होती है उससे पूछता है, उससे वो फोन मांग रहा होता है। पर उस लेडी को माइक की भाषा नहीं पता होती, वो स्पेनिश बोल रही होती है और माइक को भी स्पेनिश नहीं आती। माइक फिर उस टाउन से निकलता है और चलते चलते आगे जाता है। वो चलते चलते थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। गस का जो डॉक्टर होता है, जो हमें ब्रेकिंग बैड में भी दिखाया गया है, वो फिर वहाँ आता है। माइक उस डॉक्टर से पूछता है कि उसे मुझसे क्या चाहिए। वो डॉक्टर उसे बोलता है कि उसे तुम्हें जिंदा देखना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो ओल्ड मैन है उसका हाउस अब डेमोलिश होने वाला है। इसके लिए मेसा वर्डे ने बहुत सारे लोगों को भेजा होता है। अब उसके हाउस को वो तबाह करने वाले होते हैं, पर वह ऑलरेडी सॉल होता है। जब शेरिफ वहाँ आता है तो सॉल शेरिफ को बोलता है कि जो हाउस तुम अब तबाह करने वाले हो ये गलत है। वो वर्कर से पूछता है कि एड्रेस क्या है। वो बोलते हैं कि 1240 आयरविस्टा है। सॉल बोलता है कि ये 1230 नहीं है। उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ का एड्रेस चेंज कर दिया होता है। ओल्ड मैन उन्हें बहुत सारे लेटर्स दिखाता है। उसे प्रूव हो जाता है कि ये उसका एड्रेस गलत है। उस दिन के लिए फिर ये टल जाता है। फिर किम और केविन की मीटिंग चल रही होती है। उनका काम एक दिन के लिए रुक गया, ये किम उसे बता रही होती है। फिर केविन को बोलती है कि जो ओल्ड मैन है उसने सॉल को हायर किया है। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और मुझे अब इस केस में नहीं रहना चाहिए। सॉल उसका बॉयफ्रेंड है, ये उसे बताती है, इसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला होता है। केविन फिर उसे बोलता है कि तुम बेस्ट हो, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं। केविन फिर बोलता है कि अगर तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तो मुझे भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम बेस्ट हो और मुझे तुम्हारे साथ वर्क करना है। किम भी इस बात पर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में माइक डॉक्टर के साथ होता है और माइक के जो जख्म होते हैं वो फिर से ब्लीड करने लग जाते हैं। उसे गांव के बाहर जाना नहीं चाहिए था, ये डॉक्टर उसे बोलता है। माइक उसे बोल रहा होता है कि यहाँ से बाहर मैं कैसे निकल सकता हूँ। फिर डॉक्टर उसे बता देता है कि कैसे वो निकल सकता है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं, पर अगर तुम गए तो एक दिन में तुम मर जाओगे। माइक उसके नहीं सुनता, वो बाहर निकलता है, पर फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सॉल को हावर्ड का कॉल आता है। हावर्ड उसे पूछ रहा होता है कि मैंने जो तुम्हें जॉब ऑफर किया है उसके बारे में क्या हुआ। सॉल बोलता है कि मैं अभी भी उसके बारे में सोच ही रहा हूँ। किम जब घर पर आती है तो किम से वो पूछता है कि केविन तुमसे क्या बोल रहा था। उसे वो वॉइसेस करने के लिए बोल रहा होता है। वो दोनों मिलकर केविन का फन उड़ाते हैं। माइक गाँव में होता है और उसे चार्जर के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो उस घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सब वो लाता है। उन्हें वो अलग अलग करता है और उससे अपना चार्जर वो ठीक करता है। फिर अपना फोन चार्ज कर कर वो गस से कॉल करता है। गस उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। माइक को उससे बात करनी होती है, पर गस उसे बोल देता है कि अब अच्छा टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट डे फिर से ओल्ड मैन के घर वो सब लोग आते हैं और आज उसका घर वो तोड़ने वाले होते हैं। पर ऑलरेडी वहाँ कुछ वर्कर्स होते हैं। ये अल्बकर्की का जो एंशंट आर्ट होता है इसे कंजर्व करने वाले लोग होते हैं। उसके घर के सामने कुछ पॉट्स जो होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये एक एंशंट आर्ट हो सकता है और उसे वो कंजर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें वीक लगने वाला होता है। अभी भी वो अब ओल्ड मैन का हाउस डिमोलिश नहीं कर सकते। ये सब खत्म हो जाता है तो हमें दिखता है कि ओल्ड मैन और सॉल बाहर बैठे हुए होते हैं। सॉल ने बहुत सारी बैटरीज लाई हुई होती है, उन बैटरीज को ओपन करता है। उन बैटरीज में जो भी कुछ चीज़ें होती है उन सबको वो एक पॉकेट में भर लेता है। वो फिर बाहर आते हैं, शेरिफ वगैरह उन पर नजर ही रख रहे होते हैं। सॉल फिर बड़ी चालाकी से वो सब मिट्टी में डाल देता है। नेक्स्ट दिन सॉल ने रेडियो एक्टिविटी चेक करने वाले लोगों को बुलाया होता है। इसमें फिर से एक दिन पूरा डिले हो जाता है। नेक्स्ट दिन सॉल उस घर पे एक पेंटिंग बनाता है, ये जीसस की पेंटिंग होती है। तब सब रिलीजियस लोग वहाँ आ जाते हैं। इसे और भी टाइम लग जाता है और अब भी वो उसका हाउस डिमोलिश नहीं कर सकते। अब मेसा वर्डे के साथ सब मीटिंग चल रही होती है। केविन बहुत ही परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। किम उसे सजेस्ट करती है कि अगर हमने इसमें कुछ भी टांग अड़ाई तो ये केस ज्यादा चल सकती है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द कॉर्ड सेल्टर खड़ा करना है। तो उसे सजेस्ट करते हैं कि हम हमारी साइड चेंज कर लेंगे। केविन बोलता है कि मैं किसी फाइट से नहीं डरता, अगर उसे चाहिए तो मैं उसे फाइट दे दूंगा। अब वो सॉल के पीछे भी लगने वाले होते हैं। रात में किम और सॉल बेड में होते हैं तो सॉल किम को बोलता है कि अब तुम्हें पीटे पीछे हट जाना चाहिए, यह सब बहुत हो गया, इससे हमें और भी ज़्यादा अपसेटन में मिल सकती है और इससे उस ओल्ड मैन को भी फायदा हो जाएगा, वरना हम और कुछ कर सकते हैं। तो किम को और कुछ करने की आइडिया अच्छी लग जाती है। सॉल उसे वार्न करता है कि अगर हमें और कुछ करना होगा तो यह पर्सनल हो सकता है, केविन पर हमें डर्ट डिगअप करनी पड़ेगी, केविन के पीछे हमें लगना पड़ेगा। किम को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला होता।
अब केविन पर सब फाइल्स उन्हें निकालनी होती है, तो इसके लिए सॉल माइक को कॉल करता है। माइक उसे बोलता है कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। फिर सॉल फिर से उस वेट को उस डॉक्टर को कॉल करता है और दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेता है। फिर इन्वेस्टिगेटर फिर सब इन्फॉर्मेशन निकालता है और उन्हें वो देने के लिए आता है। वो सॉल को बताता है कि केविन कुछ भी इलीगल नहीं करता, उसने टैक्सेस का कुछ फ्रॉड नहीं किया, उसके कुछ इलीगल अकाउंट्स नहीं है, किसी भी औरत के साथ उसका चक्कर नहीं है, वो बहुत ही क्लीन है। सॉल को इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। फिर वो उसे सब प्रूफ दिखाता है कि मैं उसके घर पर गया था, उसने जो भी कुछ किया होता है उसके सब प्रूफ दिखाता है। उसे केविन के घर में जो उसने फोटोज ली होती है वो भी सॉल को वो दिखाता है। किम को यहाँ कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट दिन जब किम अपने ऑफिस में होती है तो रिच उसे मिलने आता है। रिच उसे बोलता है कि तुम्हें अब ब्रेक लेना चाहिए, तुम इतना इफेक्टिव काम नहीं कर रही हो और तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो भी अचानक अपीयर हो चुका है और ओल्ड मैन को अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसे शक चला गया होता है तो किम उसके पीछे बाहर निकलती है। वो उसे बहुत ही जोर के आवाज में बोलती है कि तुम मुझ पर शक ले रहे हो। सब लोग फिर उन्हें देखने लग जाते हैं। रिच उसे बोलता है कि मैं सिर्फ फर्म के अच्छे के लिए सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में अब गस माइक को मिलने उस गांव में आ जाता है। ये पूरा गांव जो होता है वो गस ने फंड किया होता है। तो माइक उसे पूछता है कि क्या तुम कितने अच्छे हो ये मुझे तुम कन्विंस करना चाहते हो। गस उसे बोलता है कि मैंने ये फंड तो किया है पर इसके लोगों को कुछ भी नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए हैं। माइक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम काम कर रहे हो इसमें और तुम कुछ चैरिटी कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। गस उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इलाडियो के पीछे हो तो इसका एंड अच्छा नहीं होगा। गस उसे समझाता है कि ये प्योर रिवेंज है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।